डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। बंगाल में अंग्रेजी हुकूमत के कायम होने पर जमींदार, कृषक, शिल्पकार सभी की स्थिति बदतर हो गई थी। इसके अलावा बंगाल का 1770 ईस्वी का भयानक अकाल तथा अंग्रेजी सरकार द्वारा इसके प्रति बरती गई उदासीनता एवं तीर्थ स्थानों पर जाने पर लगे प्रतिबंध ने शांत सन्यासियों को भी विद्रोह पर उतारू कर दिया। इन सभी तत्वों ने मिलकर अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। इन सन्यासियों में अधिकांश शंकराचार्य के अनुयायी थे। सन्यासी विद्रोह की स्पष्ट जानकारी बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलती है। इस विद्रोह को कुचलने के लिए वारेन हेस्टिंग्स को कठोर कार्यवाही करनी पड़ी। मिदनापुर जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने 1768 ईस्वी में भूमि कर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में दलभूम कैलापाल होलकर तथा बाराभूम के राजा सम्मिलित थे। इन्होंने आत्मविनाश की नीति अपनाई। छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले में रहने वाले हो तथा मुंडा लोगों ने 1820-22 ईस्वी तथा 1831 ईस्वी में कंपनी की सेना से संघर्ष किया। यह क्षेत्र लगभग 1837 ईस्वी तक विद्रोह से प्रभावित रहा। छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के विस्तार का विरोध किया, जिसमें बंगाल के पाराहार के राजा जगन्नाथ भी थे। हो नामक जनजाति ने उत्साहपूर्वक राज्य की रक्षा की, किंतु 1827 में मेजर रफसेज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह को पूर्ण रूप से कुचलने में सफलता प्राप्त की। छोटा नागपुर के कोलों ने उस समय विद्रोह किया जब उनकी भूमि उनके मुखिया लोगों ने लेकर मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दी गई। 1831 ईस्वी के लगभग हुआ यह विद्रोह सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। कोलों का नेतृत्व सुरगा और सिगराय ने किया। आदिवासियों के विद्रोहों में सबसे सशक्त विद्रोह संथालों का था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। यह संथाल बहुल क्षेत्र था। यहाँ के हजारों संथालों ने गैर आदिवासियों को भगाने और उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोरदार संघर्ष छेड़ा। यह विद्रोह संथालों के नेता सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में किया गया। विद्रोह भूमिकर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार तथा जमींदार, साहूकार आदि द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ किया गया था। यह विद्रोह आर्थिक कारणों से बिहार से
उड़ीसा के बीरभूम, सिंहभूम, बांकुरा, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर के जिलों में हुआ था। सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्यवाही के बाद 1856 ईस्वी में इस विद्रोह को दबाने में सफलता पाई। सरकार ने इनकी अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। समाप्त। अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। विभिन्न टॉपिक के ऊपर या निबंध पर आधारित डिक्टेशन लिखने के लिए पैडवाइज ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है।